सेटल हो गया पुणे में, अब आगे का क्या प्लान है? बस अब क्या, घर घर खरीदने का सोच रहा हूँ मैं। फिलहाल ये सब क्यों सोच रहा है, रेंट पे है ना, तो बढ़िया है वो। अरे लेकिन एक घर भी तो होना चाहिए जिसे हम अपना कह सके। जिंदगी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान, तो बस अब मकान लेना है। नहीं, रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट, अरे यार उसके बगैर कैसे चलेगा। और मकान तो मकान होता है, जरूरी थोड़ा ना कि खरीदा हुआ ही होना चाहिए। अरे यार लोग लड़की नहीं देते अगर लड़के के पास घर ना हो तो, ये भी तो सोचो तुम। तेरी शादी हो गई ना तो फिर क्यों सोच रहा है। और वैसे भी ये सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में क्या ही कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव सोच आएगी लोगों की। अभी तो फिलहाल मतलब ऐसा है कि फाइनेंशियली रेंटिंग मेक्स मोर सेंस। कैसे, काफी तगड़ा रेंट भर रहा हूं मैं हर महीने के लिए, और अपना एक घर तो होना ही चाहिए यार। पर यार घर खरीदने के बाद जो तू एवरी मंथ ईएमआई पे करेगा वो भी बहुत तगड़ी होगी। लोन रेट एक साल में कहां से कहां पहुंच गए हैं। हां तो ठीक है ना, एटलीस्ट आई एम क्रिएटिंग एन एसेट आउट ऑफ दैट पेमेंट। बट हायर ईएमआई और डाउन पेमेंट्स करने के बाद अगर जो तुम पैसा उससे सेव करते हो वो तुम कहीं और इन्वेस्ट करो, तो वो भी तो तुम्हारे लिए एसेट्स ही हुए, जैसे एमएफ या इक्विटीज। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ज्यादा है इफ यू बाय अ हाउस, मैं देखो कैलकुलेशन से समझाती हूं। सो दिस इज द कैलकुलेटर ऑफ आइदर बाइंग द हाउस और रेंटिंग द हाउस। इसमें जो भी फिगर्स हमने अज्यूम करी है वो एक जनरल अजम्पशन है जो किसी भी कॉमन मैन के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं रेंटिंग ऑप्शन की बात करूं, तो रेंटिंग ऑप्शन में हम मानकर चलते हैं कि हमारा मंथली रेंट समवेयर अराउंड 20,000 के आसपास है। एंड क्योंकि हमें अब टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा इस पे, लेकिन हमारी ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से तो एक 20% का फायदा हमें मिलता है, तो हमारा नेट रेंट समवेयर अराउंड 16,000 का हो जाता है। अब हम अपना एनुअल रेंट अगर कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है 1,92,000 के आसपास। पर क्योंकि हर साल से रेंट भी इंक्रीज होगा तो हमने वो जनरल अजम्पशन नंबर 8% का लिया है। तो 20 साल के बाद अगर हम देखें तो हम अगर हर महीने रेंट पे कर रहे हैं 20 साल तक, तो वो हमारे पास जो कॉस्टिंग होती है वो आती है समवेयर अराउंड 87,86,297 की। अब हम एक्चुअली बाइंग ऑप्शन को पहले समझते हैं एंड बाकी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेविंग बाद में समझते हैं। जब हम बाइंग हाउस पे आते हैं तो फिर बाइंग हाउस में अगर हम किसी भी घर जिसका रेंट 20,000 है उसका प्राइस ऑफ द हाउस मानकर चलते हैं कि 65 लाख होगा। अब 65 लाख का घर खरीदने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि 15% का अगर आपको डाउन पेमेंट करना है तो उसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 9,75,000 होगी। तो बचा हुआ जो लोन अमाउंट है वो है 55 लाख के आसपास का, जहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी हमने एक अजम्पशन नंबर लिया है 7.20 का। तो यानी कि आपकी हर महीने की जो ईएमआई बनेगी वो 43,000 के आसपास की बनेगी। तो इस घर का जो खर्चा है ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स वो आपको जाकर पड़ता है 1,04,00,000 के आसपास का। पर अब क्योंकि घर लिया है तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस भी देने पड़ेंगे, तो मेंटेनेंस चार्जेस हमने मानकर चले हैं 2,000 पर मंथ के एंड रिपेयर चार्जेस 1,000 पर मंथ के। अब क्योंकि ये खर्चे भी हर साल से इंक्रीज होंगे बिकॉज इन्फ्लेशन है भाई, तो फिर एनुअल इंक्रीज होगा 7% का, ये भी एक अजम्पशन नंबर है। तो आपका ये कॉस्ट 14 लाख के आसपास का आता है। तो हम घर का खर्चा एंड इन सब खर्चों को अगर ऐड करें तो 20 साल के बाद अगर आपने जो घर आज खरीदा है तो 20 साल के बाद उसका जो कॉस्ट होगा वो होगा 1,28,00,000 के आसपास का। अब हम मानकर चलते हैं कि यार एसेट है तो एसेट की वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी, तो 7% से अगर आपका ये एसेट वैल्यू इंक्रीज होता है तो फिर आपके पास इस घर की जो वैल्यू है वो बनती है 2,51,00,000 के आसपास की। यानी कि आपने जो पैसे बचाए वो हुए 1,22,00,000 के। नंबर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अब हम रेंटिंग ऑप्शन को भी एक बार देखते हैं। तो यहां पर रेंटिंग ऑप्शन का जो हमारा कॉस्ट था वो तो हमें पता लग गया, लेकिन यहां पर हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या सेव कर रहे हैं। 9,75,000 का डाउन पेमेंट सेव कर रहे हैं, एक्सेस ईएमआई जो हम पे करते 27,500 का, क्योंकि यहां पर हमने रेंट भी पे किया है दैट इज वाई ये ईएमआई कम है। तो इन सबको हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो मैं अगर कंजर्वेटिव अप्रोच भी रखूं तब भी इस पे जो मुझे रिटर्न्स मिलते हैं वो आते हैं 10% के। तो यानी कि जो मैंने अपनी वैल्यू सेव करी वो हुई 2,80,00,000 की। तो मेरी इफेक्टिव सेविंग कितनी हुई 1,92,00,000 की, और बाइंग ऑप्शन में कितनी थी 1,22,00,000। इन सब के अलावा तेको पता है एक प्राइस टू रेंट रेशियो भी होता है जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, जिससे कि फेयर आइडिया लगता है कि हमें हाउस रेंट करना चाहिए या बाय करना चाहिए। प्राइस टू रेंट का मतलब ये है कि प्राइस ऑफ द हाउस कितना है, डिवाइड करना है उसको एनुअल रेंट से। अगर ये नंबर 15 से कम आता है तो इसका मतलब बाइंग द हाउस मेक्स सेंस। अगर 15 से कहीं 20 के बीच में आता है तो बाइंग या रेंटिंग, जो भी किसी को कंफर्टेबल लगे। अगर 20 से ज्यादा आता है देन रेंटिंग द हाउस फाइनेंशियली मेक्स मोर सेंस, जैसे कि हमने इस एक्सेल शीट के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया।
अच्छा, पर क्या ये एग्जाम क्या ये रेशियो सारे सिटीज के लिए रेलेवेंट है इंडिया के? सी बंदर, अगर हम अपर लिमिट भी कंसिडर करें विच इज 20 एंड उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आता है 240 मंथ्स। तो अगर 240 मंथ्स का जो हमारा रेंट है वो हमारी बाइंग कॉस्ट से कम है तो रेंटिंग मेक्स सेंस, लेकिन अगर वो रेंट हमारी बाइंग कॉस्ट से ज़्यादा है तो ऑफकोर्स बाइंग विल मेक सेंस। बट इंडिया में एक्चुअली जो बाइंग कॉस्ट है वही ज़्यादा है 240 मंथ्स के रेंट से, दैट इज वाई रेंटिंग मेक्स मोर सेंस। बट वॉट अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स? अगर मैं ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन को ऑप्ट कर लूँ तो वहाँ पर मुझे प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑन होम लोन का 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है अंडर ATC। इसके अलावा सेक्शन 24 में मुझे 2 लाख का डिडक्शन मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो मुझे 3.5 लाख से टैक्सेबल इनकम कम करने को मिल रही है जस्ट बाय बाइंग द हाउस, तो ये ऑप्शन बेटर नहीं हुआ? यार तुम एक और चीज़ भी तो देखो ना कि होम लोन पे अभी हमारा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, कितने हैं, 8.5 से 9% है, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारे कंसेशंस में कंसिडर भी कर लूँ उसके बाद एन इंडिविजुअल एंड्स अप पेइंग समवेयर अराउंड 5 से 6% के बीच का उनको इंटरेस्ट अभी भी देना पड़ता है। लोग एक्चुअली घर ये सोच के खरीदते हैं कि उनको टैक्स कंसेशंस मिलेंगे, बट द पॉइंट इज अगर आप एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एनालिसिस करो तब हमें एक्चुअल नंबर्स पता लगते हैं। यार ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो ठीक है, पर मुझे लगता है ये डिसीजन में जो चीजें मैटर करती है वो एक्सेल शीट एंड नंबर्स के भी बियॉन्ड होती है। मतलब मैं अगर खुद के घर में रह रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम से रिलीफ तो मिले। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनको पता होता है कि लैंडलॉर्ड के प्रॉब्लम से ना कितनी बड़ी मुसीबत होते हैं। पर मंदार, अगर आप खुद के घर में रहते हो तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब के खर्चे भी तो उठाने पड़ते हैं, एंड ये सब का प्रॉब्लम टेनेंट को तो होता ही नहीं है, एंड ये सब अमाउंट हम सेव करके कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सी, ये सारी चीजें ना आई थिंक आजकल फ्लैट ओनर्स अपने रेंट में प्राइसिंग कर लेते हैं। एटलीस्ट इंसान के पास अगर खुद का घर हो तो अगर किचन के कैबिनेट पसंद नहीं है तो वो चेंज करा सकता है, कर्टन्स पसंद नहीं है तो वो चेंज करा सकता है, वॉल का कलर अगर पसंद नहीं है तो वो चेंज करा सकता है। रेंटिंग के घर में ये सब फैसिलिटीज कहाँ अवेलेबल होती है? ये तुम अपनी पर्सनल चॉइसेस क्यों बता रहे हो, आई जस्ट डोंट नो, बट अगर हम नॉर्मल लोगों के हिसाब से देखें तो रेंटिंग उन्हें एक्चुअली एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनके वर्क होराइजंस भी बहुत ब्रॉडन होते हैं, क्योंकि अगर उनको सिटीज शिफ्ट करनी है तो उसमें रेंटिंग में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन ये फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग कितना प्रॉब्लमेटिक है पता है तुम्हें? बार बार वो एग्रीमेंट है वो रिन्यू करवाते रहो, फॉर एनी रीजन अगर एग्रीमेंट रिन्यू ना हो पाए तो अगेन शिफ्ट करो, अपने एड्रेस को बार बार चेंज करते रहो, ये बार बार की मुसीबत है यार। पर अगर तुमने अपना घर खरीद लिया तुम ये देख रहे हो कि तुम एक ही लोकेशन पे परमानेंट हो जाओगे, एंड मान लो अगर किसी वजह से तुम्हें अपनी सिटी शिफ्ट करनी पड़ी वर्क के चलते, तो तुम नई सिटी में तो रेंट दोगे ही, तुम अपने घर का ऑलरेडी EMI भी पे कर रहे हो, और इसके साथ साथ अगर नई सिटी में शिफ्ट होने के कारण तुम्हें अपना घर बेचना पड़ा तो वो इमीडिएटली तो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो एक लिक्विड एसेट नहीं है। हाँ, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इंसान जनरली खुद का घर तब खरीदेगा जब उसके पास एक जॉब स्टेबिलिटी हो एंड इनकम स्टेबिलिटी हो, एंड ऊपर से जब घर रेंट पे लिया हो तो रेंट भी तो कितना बढ़ता है, कई बार मोर देन इन्फ्लेशन। पर रेंट की तुम जो बात कर रहे हो, ये रेंट बढ़ता है इन्फ्लेशन के कारण, तो इन्फ्लेशन के कारण इंटरेस्ट रेट्स भी तो बढ़े हैं। लास्ट ईयर में देखो कितना ज़्यादा चेंज आया है इंटरेस्ट रेट्स में, एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण तुम्हारा EMI या लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों ही एक इंडिविजुअल को इक्वली इम्पैक्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे घर की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगी, सो जब भी मैं मेरा घर बेचूंगा तो मुझे उसका बेनिफिट भी तो मिल जाएगा। पर मंदार, जरूरी नहीं है कि ये बेनिफिट काफी ज्यादा हो। घर की वैल्यू बेशक बढ़ती है पर उतनी नहीं बढ़ती जितना एक इंसान एक्सपेक्ट करता है, ये बहुत ही मार्केट स्पेसिफिक होती है। कई ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ी ही नहीं है, एंड ये बहुत ज्यादा लोकेशन या सिटी स्पेसिफिक होता है। स्टिल यार, पता ही है जो होम ओनर्स है ये अपना डिपॉजिट वापस देने में कितना टाइम लगा देते, मुझे किसी लैंडलॉर्ड को आंसरेबल नहीं होना यार। सी यार मंदार, मैं तुझे एक सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ। आई नो ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सपेक्टिव वाली बात है, बिकॉज ये बहुत पर्सनल है जिसके कारण काफी सब्जेक्टिव हो जाता है। यस आई अंडरस्टैंड, बट मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद इंसान को स्टेबिलिटी की भी जरूरत होती है। आई फील एज अ बैचलर रेंटिंग मेक्स मोर सेंस, बट एक पॉइंट के बाद होम बाइंग एक कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज आगे चल के बच्चे आते हैं, उसके बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सो पेरेंट्स के लिए भी घर शिफ्ट करते रहना इज नॉट एन ईजी ऑप्शन। आई गेट योर पॉइंट मंदार, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगेन। जब हम घर बाय करते हैं तो उसके लिए हमें डाउन पेमेंट भी इकट्ठा करना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी बिग सम। उसके बाद तुम अगले 20-30 साल तक उसकी अगर EMI भरते रहते हो, वो भी कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, जनरली रेंट जितनी है रेंट से ज़्यादा ही होती है। और इसी के साथ साथ जब तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों और उनके तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसके लिए भी तुम्हें एक अलग से बजट चाहिए रहता है। लेकिन अगर तुम ये सारे पैसे इन सब अपना डाउन पेमेंट एंड EMI में ही लगा दोगे तो बाकी के इन्वेस्टमेंट गोल्स कैसे पूरे करोगे? बट यू नो आस्था, EMI होने की वजह से एक फोर्स वे में ही सही इंसान एक असेट में अपनी सेविंग्स तो करता है, वरना आई नो ऑफ पीपल जो अपनी सैलरी पूरी की पूरी खर्च कर देते हैं। सो एटलीस्ट EMI होने की वजह से दे आर इन्वेस्टिंग इनटू एन असेट। मतलब ये तो लेकिन किसी की स्पेंडिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है ना। आई नो ऑफ पीपल जो 60-70% ऑफ देयर सैलरी भी सेव कर पाते हैं,
तो ये कोई डायरेक्ट लिंक बनता नहीं है यार। अब तू ही बता क्या करना चाहिए, ये थोड़ा दिल और दिमाग वाला मामला हो गया है। इमोशनली अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि खुद का घर होना चाहिए, लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं सोचूं तो मुझे क्लियरली पता है कि रेंटिंग मेक्स मोर सेंस। देख, इसका जवाब ऑलवेज बाइंग इज बेटर या ऑलवेज रेंटिंग इज बेटर नहीं हो सकता है। आई मीन आई फील दैट रेंटिंग इज बेटर बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बट कभी कभी बाइंग भी मेक्स इक्वल सेंस। मतलब उसकी क्या कंडीशन है, जैसे कि अगर पहली चीज तो ये है कि तुम्हारा कमिटमेंट टू स्टे इन वन सिटी वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम काफी लंबे समय तक उस सिटी में ही रहने वाले। दूसरा पॉइंट कुड बी कि तुम्हारी जो भी डाउन पेमेंट है उसकी तुम्हारे पास अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए सो दैट तुम्हारे बाकी के इन्वेस्टमेंट गोल्स जो है वो हैम्पर ना। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि तुम्हें बहुत लंबे समय तक ईएमआई पे करनी है तो उसकी तुम्हारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए रीपे करने की। गॉट इट। आई थिंक ये डिस्कशन से मुझे काफी क्लियर हो गया है कि व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन वेदर टू बाय और वेदर टू रेंट। आई होप हमारी इस डिस्कशन से आपको भी काफी हेल्प मिली होगी टू अंडरस्टैंड बाइंग मेक्स मोर सेंस या फिर रेंटिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। एंड आपका दिल और दिमाग क्या कहता है, बाइंग बेटर है या रेंटिंग बेटर है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई मीन यार लोन रेट्स तो देख, हाउस रेंट के लिए एक साल में कहां से कहां पहुंच गए। हाउस रेंट के लिए नहीं, हाउस लोन के लिए। मतलब आजकल रेंट भी ईएमआई में बनने लगा। हां तो ठीक है ना, एटलीस्ट आई एम अ क्रिएटिव, आई एम अ एसेट, एटलीस्ट आई एम अ एसेट। बार बार अपने एड्रेस प्रूफ जो है वो एड्रेस प्रूफ्स। तुम्हें एक्साइटेड क्यों हो जाता है भूलने के बाद? वो ऐसे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा शॉट मारा था, सिक्स जाना चाहिए था लेकिन बाउंड्री पे कैच कर लिया किसी ने। ओ हाय, मैच भी शुरू हो गया। डोंट डिस्ट्रैक्ट। मेरे को तुमसे बस ये पूछना था कि जब उन्होंने एक्शन बोल दिया उसके बाद तुमने मुझे एक्सप्लेन क्यों किया? क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये कैसे आएगा एक्शन। ये अभी क्यों हंसी? यार मैं बताऊंगी ना तो तुम बहुत हंसोगे। पर यू नो आस्था, ईएमआई होने की वजह से इंसान एक फोर्स्ड वे में क्यों फोर्स में ही सही ठीक है फोर्स्ड में ही फोर्स्ड वे में ही सही फोर्स्ड वे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी ये कंफ्यूजन दूर हो सके। एंड यस आपका दिल आप एक अंधेरे वाले कमरे में जाओ जहाँ पर एक दिया पड़ा है, एक कैंडल पड़ी है और एक लैंटर्न पड़ा है, तो सबसे पहले क्या जलाओगे? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? माचिस से लाइटर। वेरी गुड। बोल रहा था।